एक्चुअली गाइज, मैं जन्नत को लेके आया था और जन्नत यहाँ खेलने आई थी, बट अब ये उदास हो चुकी है क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। जन्नत बताओ अब यहाँ खेलना है तो कोई नहीं है। सो जय हिंद दोस्तों, मैं राजा जमशेद पूरे नाम, सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पे। और गाइज रुक जाओ, ये जो पीछे आप ये ग्राउंड देख रहे हो, ये बहुत ही बड़ा सा ग्राउंड है लेकिन बिल्कुल खाली। और ये क्यों खाली है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बच्चा खेलने नहीं आता है। अलाउड है, आप यहाँ आके खेल सकते हो, अलाउड है, लेकिन कोई भी यहाँ खेलने कूदने आता नहीं है। सो गाइज, ये जो ग्राउंड देख रहे हो आप, ये बिल्कुल खाली है और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। ये खेलने कूदने का वक्त है, ये आपका 4 साढ़े 4 का समय, सबको यहाँ आना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। ऊपर से आज संडे है लेकिन कोई भी बंदा यहाँ खेलने कूदने नहीं आता है। कोई भी एक्टिविटीज़ हेल्थ वाइज जो सही है वो नहीं होता है आजकल, क्योंकि सब कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी पे लगे हुए हैं। दोस्तों आजकल जो मोबाइल में गेम्स आ रहे हैं, किसे कहूँ मैं, कैसे समझाऊँ कि उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को। ये जो खेल कूद है, क्रिकेट फुटबॉल से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उनको चाहिए मोबाइल पे पबजी या फिर पता नहीं यार आजकल कितने सारे गेम्स आ गए हैं, फ्री फायर वगैरह जो भी है, बस खेलते रहो और अपना हेल्थ बर्बाद करते रहो। एक्चुअली गाइज, मैं जन्नत को लेके आया था और जन्नत यहाँ खेलने आई थी, बट अब ये उदास हो चुकी है क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। जन्नत बताओ, यहाँ पे हम खेलना है तो कोई नहीं है। यहाँ पे ये खेलने आई थी और कोई नहीं है और ये मैदान बिल्कुल खाली है। आपके दोस्त नहीं आए जन्नत? आपने आपने कहा था कि आपके दोस्त आने वाले हैं, वो नहीं आए अभी? और जन्नत का कोई भी दोस्त यहाँ पे नहीं आया। सो गाइज, पता नहीं क्या हो गया है आजकल की जनरेशन को, कोई यहाँ खेलने कूदने आना ही नहीं चाहता है। सो जन्नत बाय कर दो। सो गाइज, ये अकेले ही खेलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये अकेले खेल सकती है। दोस्तों ये जो प्यारा सा ग्राउंड देख रहे हो, मैं इसे आपको बिल्कुल कोने कोने से दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये ग्राउंड देखो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, 4:30 का वक्त है और यहाँ कोई भी एक बच्चा या जवान खेलने कूदने के लिए नहीं आया है, ना ही कोई रनिंग, ना ही कोई एक्टिविटीज़, कुछ भी नहीं दोस्तों। और ये आज का दिन जो ये संडे का है, और मैं संडे के दिन शाम 4 साढ़े 4 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं 5 बजे तक भी यहाँ रहने वाला हूँ, बट मुझे नहीं लगता यहाँ कोई आने वाला है। क्योंकि गाइस देखो, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर है यहाँ से, पहाड़ पर्वत सारे चीज़, पेड़ पौधे, यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा, कौन यहाँ पे आके खेलना नहीं चाहेगा। दोस्तों मैं हर संडे यहाँ अपने घर के बच्चों को लेके आता हूँ ताकि ये कुछ एक्टिविटीज़ करें, और डेली शाम को मैं इन्हें ज़रूर यहाँ पे घुमाने लेके आता हूँ, बट मैं कभी देखता नहीं कि यहाँ कोई आए। बहुत कम दोस्तों, बहुत ही कम लोग आते हैं। सो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने बच्चों को आप ऐसे मैदानों पे खेलने के लिए भेजो, क्योंकि ये आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आज कुछ हेल्थ वाइज अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा किसी गड्ढे गहरे में घुसते जा रहे हैं दोस्तों, जिसे निकालना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपको उन्हें खेलने कूदने के लिए भेजना चाहिए। और ये आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो हमारा मैदान है, ये जो सन है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इसकी धूप हमारे शरीर में नहीं लगेगी तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है दोस्तों, क्योंकि पसीना निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म से हो जाएंगे बिल्कुल, कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घर के बच्चों को भेजोगे खेलने कूदने के लिए। फिर से एक नया जनरेशन स्टार्ट करना है दोस्तों, जैसे कि पहले होता था, खेल कूद मोबाइल से ज़्यादा ज़रूरी है खेलना कूदना, बात समझ रहे हो ना। तो मैं राजा जमशेद पुरियन आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो पर, और तब तक के लिए आप अपने घर के बच्चों को इस मैदान पे खेलने ज़रूर भेजना, आपके घर के आसपास के मैदानों पे खेलने ज़रूर भेजना। बाय बाय।